दोस्तों, आपने दुनिया के अंत के बारे में बहुत बार न्यूज़पेपर और टीवी पर देखा या सुना होगा, लेकिन दुनिया आज तक वहीं की वहीं पर है। इस बारे में हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है कि एक दिन इस दुनिया का सर्वनाश होगा। लेकिन दुनिया का सर्वनाश कैसे होगा, इसके बारे में हर धार्मिक ग्रंथ में अलग अलग तरीके से बताया गया है। हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के अनुसार बता रहे हैं। भगवत गीता में संसार और व्यक्ति से जुड़ी बहुत सी बातें लिखी गई हैं, जिन्हें भगवान विष्णु ने बताया था। भगवान विष्णु ने गीता के कुछ पंक्तियों में बताया है कि कलयुग की शुरुआत कैसे होगी और उसका अंत कैसे होगा। महिलाओं में जब आएंगे ये बदलाव तो होगा कलयुग का सर्वनाश। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया का अंत केवल एक स्त्री के कारण ही होगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। महिलाओं में जब ये बदलाव आएंगे तब कलयुग का अंत निश्चित ही होगा। कौन से वो बदलाव हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पक्षीराज गरुड़ के पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने कलयुग की भव्यता के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वो सभी का स्वामी होगा। वो सभी वर्णों से कन्या को ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस व्यक्ति के भी मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। इस समय मनुष्य पिशाच मानव मुर्दे मशान ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगी बाबाओं को देवताओं का स्थान दिया जाएगा अथवा उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग की शुरुआत स्त्री के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है, कलयुग में सभी महिलाएं अपने बालों को काटना और रंगना शुरू कर देंगी। और जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष, सभी अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू करेंगे। कलयुग के अंत में कोई भी बाल लंबे या फिर काले आपको नजर नहीं आएंगे। चौथी बात, जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, तभी आप लोग समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में कलह कलेश होगा, कोई भी व्यक्ति आपस में मिलकर नहीं रहेगा और लोग अपने ही घरों में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से सच बोलेगा, ना बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। पांचवी बात, कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में अपने लोग शोषण करने का प्रयास करेंगे और वे इस काम में सफल भी हो जाएंगे। बाप बेटा भाई बहन कोई भी रिश्ता सही से नहीं चलेगा। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर ही रह जाएगी। पत्नी पति की इज्जत नहीं करेगी और ना पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन में भी बंधकर वह अपवित्र रहेंगे। किसी भी शादी शुदा जोड़े की जिंदगी ठीक तरीके से नहीं चल पाएगी। छठी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दूसरों को दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। सातवीं बात, जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा, उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी और कलयुग में एक धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। दोस्तों, कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिला 7 से 8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती बनेगी और 12 वर्ष की आयु में उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जब ऐसा होगा तो आप लोग समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी
आज के इस वर्तमान समय में कितनी सच साबित होती दिखाई दे रही है, कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।